तो जैसे अभी मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से टाइप के हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ये चीजें कुछ बताई। अब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको कुछ और डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी पहले ये बताया था कि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे हमने हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए यूज की है, बनाई है, उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई, वही सी, सी प्लस प्लस। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट मोस्टली सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है, यानी कि कम्युनिकेशन को, आपके वर्क को करने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये काम में आ रही हैं। तो जैसे ह्यूमन लैंग्वेज, अब हम सारी चीजें जो आगे पढ़ने वाले हैं उनको हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करेंगे। वो क्यों एसोसिएट कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप, या किसी भी लैंग्वेज को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो वो आपको इजी हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई गई है, जैसे अभी हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसका पैटर्न समझ लेंगे तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमारी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए हम एक ग्रामर को फॉलो करते हैं, और ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ग्रामर क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई गई। चाहे वो आज अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश भी ग्रामर फॉलो करती है, हिंदी भी ग्रामर फॉलो करती है, नो डाउट फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं ये सभी ग्रामर को फॉलो करती हैं, और सभी लैंग्वेजेस की ग्रामर ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है। तो अगर हम किसी लैंग्वेज को पढ़ना है तो हमें पहले ग्रामर को समझना होता है। सिमिलरली सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी कंप्यूटर के लिए बनाई गई हैं, तो इनके भी एक ग्रामर का एक पैटर्न है। अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम इजीली इनको समझने लग जाएंगे। तो अब हम इसको डे टू डे लाइफ की हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, यानी इंग्लिश, हिंदी, इनके साथ एसोसिएट करेंगे, और तब हम धीरे 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए अगर हम अब यहाँ से हम अपना पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेनली कि कैसे हमें ग्रामर को स्टार्ट करना है, कैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को समझना होता है।